नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें चाइना बायकॉट के बाद जो है काफ़ी तेज़ी देखने मिली है, और न्यूज़ भी आया है कि जो गवर्नमेंट है हमारा, उन्होंने भी जो चाइनीज इक्विपमेंट है उसे यूज करने से मना किया है BSNL और MTNL जैसे कंपनियों को। उसके बाद शेयर में इतनी तेज़ी देखने मिली है कि शेयर में समझिए आग लग चुका है इसके प्राइस में। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं उस शेयर के बारे में, ताकि आप भी अपडेट रहें, और ऐसे शेयर में अगर आप तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शेयर है हमारा ITI लिमिटेड। दोस्तों ITI लिमिटेड देख सकते हैं, शेयर आज जो है 20% का तेज़ी इसमें देखने मिला है। देख सकते हैं 20% का तेज़ी, और आज जो है ये शेयर 108.65 रुपये पे क्लोज हुआ है। तो समझ सकते हैं लगातार ये दो दिनों में, मात्र यहां से आप देखेंगे तो दो दिन में ये शेयर जो है 26% का मूवमेंट दिखा चुका है। वही 5 डेज के अंदर बात करें तो ये हम 5 डे का चार्ट लगाए हुए हैं, 5 डे में आप देख सकते हैं ये 33% अप है। तो इतनी तेज़ी से ये स्टॉक्स बढ़ रहा है इस न्यूज़ के बाद कि जो चाइनीज इक्विपमेंट है वो अब यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने भी कहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स कंपनी ITI जंप 90%। देख सकते हैं 52 भी कहा है बनाया अपना 108 रुपये जितना का, क्यों बनाया यहाँ से आप देख सकते हैं। स्टॉक हैज रैलीड इतना परसेंट पास्ट 2 ट्रेडिंग डेज, क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था DOT का, आस्क स्टेट ऑन BSNL और MTNL। देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ का जो मुख्य पॉइंट है, एक्सक्लूड चाइनीज गियर मार्क्स फ्रॉम सप्लाइंग 4G टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो ये लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सक्लूड चाइनीज गियर मेकर्स फ्रॉम सप्लाइंग 4G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। तो जो चाइनीज गियर मार्क्स मेकर्स है उसको 4G का जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है उसे सप्लाई करने से एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर कर दिया है। जिसके बाद जो आप देख सकते हैं कोई बहुत ही तेज़ी देखने मिला है, क्योंकि ITI ये जो है हमारा टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली इंडियन कंपनी है। तो देखते हैं ये इंडियन कंपनी है हमारा टेलीकॉम इक्विपमेंट बनने वाली, जिससे के कारण इसके शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो ये शेयर काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है। देखते हैं पहले भी इसमें तेज़ी आ चुका है 2017 में, बैकआउट चाइना उस समय भी बीच में आया था एक बार, जो मतलब ये नारा लगा था उसके बाद इसमें तेज़ी देखने मिला था। फिर देखते हैं यहाँ से कितनी तेज़ी इसमें देखने आपको मिल रही है। चलिए तो हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि ये शेयर का जो फंडामेंटल्स क्या कहता है आपको। ये देख सकते हैं ये ITI का ये हमारा जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में आप यहाँ पर देखते हैं सेल्स जो है लगातार ITI का इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का ये सेल्स है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 168 करोड़ है। तो ये भी देखिएगा तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें या प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। मार्च क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो वो भी बताएं। तो उसके बाद अब हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व जो है माइनस में है, उसके बाद यहाँ पर नेटवर्थ भी कंपनी का माइनस में, और जो टोटल डेप्थ है कंपनी के पास हुआ है 1377 करोड़ का। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस देखेंगे 203 करोड़ है। उसके बाद बुक वैल्यू देख लेते हैं कंपनी का, बुक वैल्यू क्या हुआ है तो बुक वैल्यू देख सकते हैं निगेटिव में है, लेकिन निगेटिव में लगातार कम हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी तक निगेटिव में ही है। मार्च क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर आप जो है आसानी से हर चीज़ देख सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, बहुत ही आसान है इसे यूज करना। तो आप देखिए एक दिन में 20% की तेज़ी, एक सप्ताह में देख लेते हैं तो एक सप्ताह में देख सकते हैं अभी भी ये एक सप्ताह के प्राइस पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लो बनाया था एक सप्ताह में 80 रुपये का, अपने 1 वीक के लो से लगभग 30 रुपया ये अप हो चुका है, मतलब इसका प्राइस बढ़ चुका है। वहीं मैक्सिमम ईयर में बात करेंगे तो चार्ट तो पहले भी हमने आपको दिखाया, यहाँ से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि कंपनी में जो
प्रमोटर्स है उसके पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। देखते हैं टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग, नो प्लेज शेयर, 0% प्लेज शेयर है। म्यूचुअल फंड का जो इसमें होल्डिंग है वो कांस्टेंट रहा है और प्रमोटर्स के पास 90% स्टेक है। तो सेबी का जो नया रूल है उसके हिसाब से उसे 15% अपना स्टेक कम करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये था इंफॉर्मेशन आईटीआई के बारे में। अगर आप चाहते हैं इसके तेजी का बेनिफिट लेना तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बस आप अपना थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कहीं ये अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप अलर्ट रहिएगा और फिर आप चाहते हैं अगर इसमें स्टेक लेना तो आप अपना स्टेक इसमें ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और लगातार स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।